गौरझामा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 की महिलाओं ने जनसुनवाई में आवेदन देकर गुहार लगाई कि ग्राम के एकमात्र रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों एवं स्कूल में पढ़ने वाले बड़े बच्चों को पढ़ने जाने में अति कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी बच्चे कीचड़ के कारण स्कूल भी नहीं पहुंच पाते और यदि किसी महिला या वृद्ध की तबीयत खराब हो जाती तो उसे खाट पर लेकर आना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि कीचड़ के कारण हम लोगों का विकास रुका हुआ है और जिसकी शिकायत अनेकों बार करने के बाद भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। इस कारण हम सब वार्डवासी ग्राम पंचायत जनसुनवाई में आकर अपने यहाँ जो रास्ता महाकाली चौराहा से खेत तक पहुँचता है वही शासन प्रशासन से मांग की है कि हम सब वार्डवासियों की सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इस पर आला अधिकारी ध्यान दें। ये कार्य करना है रोड निर्माण। तो क्या समस्या मतलब उसमें कब से किसी रोड बनवा दो? ये है खेत सड़क योजना का पहली बार। अच्छा खेत सड़क बंद हो गई तो फिर उस सड़क में इसका पर योजना में निकाल लिया बरसात छत्ती इसका काम कर जाएगा फिर उस सड़क। और अभी विकल्प में हम लोग बच्चों के लिए निकालने के लिए मुरम बाजरा का व्यवस्था कर रहे कल से कल हो जाए बच्चा आओ गवर्न हो सके। तो आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि जब आवेदन ही जब मतलब कार्रवाई की जाएगी? पहले से ऐसा लोगों ने और पहले भी शिकायत की मगर अभी तक नहीं हुई है। दूर सड़क योजना में है सर वो पहले आचार संहिता लगी रही जिससे काम शुरू नहीं किए जा सकते। आचार संहिता खत्म होगी 15 जून आ गई 15 जून के बाद कच्चे काम नहीं कर सकते बरसात छटने के बाद में कच्चे काम चालू होगी हम लग जाएगा। देवरी से प्रवीण कुमार पाठक की रिपोर्ट।